Subscribe to BHack and develop programming skill with Edward Sangam. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एडवर्ड संगम एंड यू आर वाचिंग बी हैक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे दो नंबर का मल्टीप्लाई करते थे और वो दो नंबर हमने यूजर से इंटर कराई थी। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। तो आइए उसके लिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैंज हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैज इंक्लूड फोनियो डॉट एच वाइड मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन। और यहाँ पर हम लोग फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं, फ्लोट टाइप को जैसे मान लेते वेरिएबल आर, और एक एरिया नाम से कोई वेरिएबल बना लेते हैं। क्लियर द स्क्रीन। अब हम लोग यूज़र को एक मैसेज देते हैं जिससे वो रेडियस इंटर करे प्रिंटर की हेल्प से। Enter the radius of circle। जो यूज़र जो है इंटर करेगा रेडियस की वैल्यू, उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं स्कैनर की हेल्प से। परसेंटेज F, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का वैल्यू होगा, और इसको स्टोर कर लेते हैं हम लोग R में। और अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई, तो और जो एरिया है उसको भी डिफाइन कर देते हैं। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, तो 3.14 इंटू आर इंटू आर सेमीकोलन। और फिर उसके बाद अब इसको प्रिंट करा देते हैं प्रिंट एफ द एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंटेज एफ और ये वैल्यू हमारी होगी एरिया में। और उसके बाद किट सी एच और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर बैक स्लैश एन दे देते हैं जिससे हमारा लाइन चेंज हो जाए। इसको कंपाइल करते हैं Alt F9 नो एरर। और देखिए अब इंटर करते हैं, इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल से डाल देते हैं 5.78। द एरिया ऑफ सर्कल इज 104.90। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट्स फर्दर अपडेट। थैंक यू।